हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक है टेलीग्राम को लेकर के। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम जो टेलीग्राम चैनल में रहते हैं या फिर ग्रुप में, उसमें कोई भी फोटो वीडियो वगैरह आता है दोस्तों, तो वो जो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है, अपने आप डाउनलोड हो जाता है दोस्तों, एंड आपका जो मोबाइल डाटा यूज हो जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो दोस्तों ऑटोमेटिक डाउनलोड ना हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो, इसको कैसे बंद कर सकते हो, अपने आप जो डाउनलोड हो जाता है फोटो हो या फिर वीडियो, अपने आप डाउनलोड हो जाता है तो आपका नेट यूज हो जाता है, उसको आप कैसे बंद कर सकते हो, आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताने वाला। तो दोस्तों, बस आप बने रहो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लो, ताकि मेरे आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। तो दोस्तों, चलते हैं हमेशा की तरह अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ चुका हूं। और दोस्तों, आपको टेलीग्राम पे कोई भी फोटो या फिर वीडियो चैनल का या फिर ग्रुप का अपने आप डाउनलोड हो जाता है, तो उसको बंद करने का बिल्कुल आसान प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपल सा आपके टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करा, एंड टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको कोई भी एक ग्रुप में लेके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक ग्रुप में आया, एंड ये ग्रुप में यहाँ पे देख सकते हो फोटो आया हुआ है। तो ये फोटो जो है मेरा डाउनलोड नहीं हुआ है, इसको मैं डाउनलोड करूँगा तभी डाउनलोड होगा। एंड दोस्तों, आपका जो है ऑटोमेटिक अपने आप डाउनलोड हो चुका है, इसको आप कैसे बंद कर सकते हो, तो बिल्कुल आसान प्रोसेस है दोस्तों। तो आपको यहाँ से बैक आना है दोस्तों, एंड बैक आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर थ्री लाइन बना हुआ कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। तो दोस्तों, इस पर आप एक बार क्लिक कर दोगे। तो दोस्तों, मैं इस पर क्लिक करा, एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, लिखा हुआ है सेटिंग। तो दोस्तों, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर मैं क्लिक करा, एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपल सा डाटा एंड स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो डाटा एंड स्टोरेज यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कुछ इस तरह से। तो इस पर आप क्लिक कर दोगे। तो दोस्तों, मैं इस पर क्लिक करा, एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो लिखा हुआ है ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है दोस्तों ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोड। एंड ये तीन ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक लाइन से, देख सकते हो कुछ इस तरह से, ये आपका ऑन होगा, कुछ इस तरह से आपका ऑन होगा आपके फ़ोन में। आपको यहाँ पे सिंपल सा इसको ऑफ कर देना है, कुछ इस तरह से डिसेबल कर देना है, आप ये तीनों को आपको बंद कर देना है। तो मैं यहाँ पे बंद करा, एंड इसको भी एंड इसको भी, तो ये तीनों ऑप्शन को आपको बंद कर देना है। उसके बाद आपके टेलीग्राम पे चैनल पे या फिर ग्रुप में कोई भी फोटो वीडियो आता है दोस्तों, या फिर आपका फ्रेंड भेजता है, तो कोई भी फोटो वीडियो बिना आपके डाउनलोड किए डाउनलोड नहीं होगा, इसको आपको बंद रखोगे तो। तो दोस्तों, आप भी कुछ इस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, बस यही था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।